हेलो एवरीवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर नंबर सेकंड पॉनोमेल्स का एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज इस चैप्टर में हमें सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन नंबर फोर तक की वीडियो चाहिए तो हमारे प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको बाकी क्वेश्चन मिल जाएंगे तो ये है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव टू का तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इफ दिस पॉनोमल इज डिवाइड विद द पॉनोमल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के एंड द रिमाइंडर्स देट बिलकम आर रिक्वेस्ट टू एक्स प्लस ए जो रिमाइंडर आता है अगर वो एक्स प्लस ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड ए तो के का और ए का वैल्यू फाइंड करिए सो so देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया जब मैं इस वाले पॉलोमल को इस पॉलोमल से डिवाइड करता हूँ तो मुझे ये रिमाइंडर मिलता है तो चलो हम चेक करते हैं डिवाइड करके सो so अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के से डिवाइड करता हूँ एक्स पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन को सो so, देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू मिलता है यहाँ से जब मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक् एक्स स्क्वायर से करूंगा तभी मुझे एक्स पावर फोर मिल पाएगा मैं so, 4. तो मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स पावर फोर तो यहाँ पर जाएगा एक्स पावर फोर और जब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा माइनस टू एक्स से तो मुझे मिलेगा माइनस टू एक्स क्यूब और जब के का मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से तो मुझे मिलेगा के एक्स स्क्वायर अब हमें इनको सेपरेट करना है तो इनके साइन चेंज कर लेंगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव साइन तो देखिए यहाँ पर एक्स पावर फोर एक्स पावर फोर से माइनस प्लस माइनस तो फोर सिक्स माइनस टू बी फोर एक्स क्यूब और जो साइन होगा एक्स क्यूब का वो रहेगा नेगेटिव साइन क्योंकि यहाँ पर सिक्स ग्रेटर नंबर है माइनस ये यहाँ पर देखिएगा से ये सिक्सटीन है और यहां पर माइनस के है तो ये हो जाएगा सिक्सटीन माइनस के एक्स स्क्वायर तो मैं इसको प्लस सिक्सटीन माइनस के एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ आपको ध्यान द्या, देना होगा कि आपको हर एक क्वेश्चन में यही करना है कि जहाँ पर भी आपको ऐसे टर्म्स दिखेंगे आपको वहाँ से एक्स स्क्वायर को इस तरह से कॉमन लेना होगा और सिक्सटीन माइनस के जो अंदर कोगा कोपिशेंट वाला पार्ट है उसको अलग से लिखना होगा इस तरीके से अब यहाँ पर आपको मिलेगा आगे माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन अब आगे सॉल्व करते हैं इसको अब मुझे एक्स स्क्वायर को किसने नंबर किस, किस कोपिशेंट और किस वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई करना होगा कि मुझे माइनस फोर एक्स क्यों मिल जाए तो सिंपल सी बात है कि मुझे इसको माइनस फोर एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मुझे माइनस फोर एक्स क्यू मिल जाएगा सो माइनस फोर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल बी माइनस फोर एक्स क्यूब और माइनस माइनस होता है प्लस और फोर टू जा एट एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एट एक्स स्क्वायर और जब के का मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर एक्स से तो मुझे मिलेगा माइनस फोर के एक्स सो माइनस फोर के एक्स साइन चेंज करते हैं ये जगह पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दोनों डिफेंस साइन के सेम नंबर्स से में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊँ आपको अलग से तो ये कुछ ऐसा बनेगा देखिए एक्स स्क्वायर दोनों में ही है तो मैं इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर कॉमन ले सकता हूँ तो मैं इसको ऐसा लेता हूँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में देखिए सिक्सटीन माइनस के यहाँ पर तो 16 -k, है तो सिक्सटीन माइनस के और यहाँ माइनस का एट है तो माइनस एट तो सिक्सटीन माइनस के माइनस एट तो ये हो जाएगा आपका एट माइनस के एक्स स्क्वायर तो मैं इसके प्लेस भी लिख सकता हूँ क्या एट माइनस के टू एक्स स्क्वायर राइट अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों टर्म्स में भी सकता हूँ, राइट right? अब जो यहाँ पर टर्म है वह है है, है प्लस फोर के तो क्या मैं इसको फोर के माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स राइट तो मैं यहां पर लिखूंगा कितना प्लस फोर के माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स और बचता है लास्ट में प्लस टेन अब भी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा अब मुझे एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि मुझे मिल जाए एट माइनस के एक्स स्क्वायर तो मुझे इसको एट माइनस के से मल्टीप्लाई करना होगा तब भी एट माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा सो एट माइनस के एक्स स्क्वायर विल बी एट माइनस के एक्स स्क्वायर और जब मैं टू का मल्टीप्लाई करूंगा एट माइनस के से तो ये मुझे मिलेगा देखिए माइनस प्लस इज माइनस साइन टू इंटू एट सिक्सटीन माइनस टू इंटू के टू के एंड एक्स यहां पर अलग से साइड में रखना है और इसके बाद क्या होगा देखिए प्लस अब के का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से भी होगा सो प्लस यहां मिलेगा मुझे के इन टू के इंटू एट एट के माइनस के इंटू के के स्क्वायर तो सॉल्व करते हैं इसको अभी तो यहाँ जाएगा नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइन ये वैल्यू जाएंगी कैंसिल यहाँ से सो so, यहाँ का है देखें यहाँ पर आपके पास में फोर के माइनस ट्वेंटी फाइव तो इसको देखिए मैं सिर्फ वापस से सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर सो so, हमारे पास में है ऊपर फोर के माइनस ट्वेंटी फाइव और नीचे है प्लस सिक्सटीन माइनस टू के और बाहर से एक्स तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फोर के माइनस टू के टू के माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन माइनस नाइन एक्स तो यहां पर लिखने वाला हूं टू के माइनस नाइन एक्स अब देखते हैं इस वाले टर्म को ऊपर है प्लस टेन और जो नीचे वाला जो नंबर था एट के माइनस के स्क्वायर इसका साइन हो चुका है अभी नेगेटिव तो जगह माइनस एट के माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर ओके सो ये बचता है हमारे यहां से रिमाइंडर इसके आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है रीजन क्या है इसका यहां पर जो हमारे पास में डिवाइजर है उसका जो डिग्री है वो टू है और उसका डिग्री हो चुका है वन और हमेशा आप गेटर या इक्वल डिग्री वाले नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो ये हमारा रिमाइंडर अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो एक्स प्लस के इक्वल है तो अगर मैं यहाँ पर रिमाइंडर जो हमें गिवन रिमाइंडर है जो यहाँ पर हमें गिवन रिमाइंडर है वो कितना है वो है एक्स प्लस ए अगर मैं यहाँ पर इसको एक्स प्लस ए से कंपेयर करता हूँ नाउ कम्पेयरिंग बोध रिमाइंडर्स अगर मैं दोनों ही इन दोनों रिमाइंडर्स को कंपेयर करूँ जो कि हमने फाइंड किया था और जो गिवन था तो देखें दोनों ही रिमाइंडर्स में यहाँ पर का कॉपिसेंट कितना है टू के माइनस नाइन और जो यहाँ पर एक्स कापिशेंट है वो है वन तो यहाँ से मुझे के का वैल्यू मिल सकता है क्या आएगा देखिए के, के वैल्यू टू के इक्वस टू वन या यहाँ आएगा तो प्लस नाइन सो टू के इक्वस टू टेन तो यहां से मुझे वैल्यू मिलता है के का टेन अपॉइंट टू फाइव यानी कि जो वैल्यू ऑफ के है वो है फाइव राइट अब मैं यहाँ से जो नेक्स्ट कॉन्स्टेंट टर्म है उनको भी कंपेयर कर सकता हूँ तो यहाँ से देखिए वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा द वैल्यू ऑफ ए विल बी इक्व टू टेन माइनस एट के प्लस के स्क्वायर बिकॉज इस वाले रिमाइंडर में जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो ए है और इस वाले रिमाइंडर में जो कॉन्सटेंट टर्म है वो ये है दोनों इक्वल होंगे अब मैं यहाँ पर फाइव प्लेस करने वाला तो मुझे यहाँ से ए मिल जाएगा सो देअर फोर द वैल्यू ऑफ ए इक्वस टू टेन माइनस एट इंटू फाइव प्लस फाइव स्क्वायर तो ये हो जाएगा इक्वेशन माइनस फोर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव माइनस फोर्टी तो यहां से मुझे आंसर मिलता है माइनस फाइव तो जो वैल्यू आता है ए का दैट विल बी इक्व माइनस फाइव और ये तो मैं फाइंड करना था यहां से वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ के सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड वैल्यूज ऑफ के सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है अगर नहीं आया तो आप कहीं पर भी वापस से रिपीट करके इस वैल्यू पूरी पूरी वीडियो को फिर से देख सकते हैं आई uh, स्योर कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आएगा सो so, ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ दिस एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर सो थैंक यू एंड हैव हैवे नाइस डे बाय